कक्षा 7 का गणित का सवाल दिया है, प्रश्नावली 1.3 में। प्रश्न संख्या 2 में दिया है, निम्नलिखित गुणा की क्रिया को भाग की 2 प्रक्रिया में बदलिए। तो देखिए, 1 में दिया है 5 × 8 = 40, फिर 2 में दिया है −4 × −6 = 24, इसी तरह 3 में दिया है −12 × 9 = −108। तो आइए इन तीनों को हल करते हैं, ठीक है। पूजा साहनी जी का भी फरमाइश है कि सर क्वेश्चन नंबर 2 भी कर दीजिए। तो पूजा साहनी जी वीडियो को पूरा देखिए, है ना। हाँ, तो हल एक यहाँ पे ये वाला उतार लिए हैं, 5 × 8 = 40, ठीक है। तो देखिए इसको कैसे बनाएंगे, इसको क्या करना है, भाग की 2 प्रक्रिया में इसको बदलना है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे गुणनफल इसका कितना आया है, 5 को 8 में जब गुणा किए थे इसका गुणनफल 40 आया है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 40 को यहाँ पे लिख लेंगे, उसके बाद यहाँ पे भाग का चिन्ह देंगे। अब 40 के जो बाईं ओर, ठीक है, जो संख्या है 40 के बाईं ओर जो संख्या है, यानी कि यहाँ पे दिया है 8 बाईं ओर, तो इसको यहाँ पे लिख लेंगे। तो 40 भाग 8, 8 से हम 40 में भाग करेंगे, 8 × 5 = 40, 5 आया, ठीक है। अब देखिए फिर यहाँ पे लिखेंगे 40, ठीक है, फिर भाग का चिन्ह। अब 40 के फिर बाईं ओर जाएंगे, तो ये 8 तो हम 8 से भाग दे दिए, अब यहाँ पे बचा 5, 40 के बाईं ओर क्या बचा, 5, तो 5 को यहाँ पे लिख लेंगे। तो 40 से हम 5 से 40 में हम भाग करेंगे, तो 5 × 8 = 40, इसका आया 5, इसका आया 8, भागफल आया, ठीक है। तो यहाँ पे भाग की 2 प्रक्रिया में बदलने के लिए बोल रहा है, तो यहाँ पे हम बदल दिए। तो इसका लिखेंगे हम, यहाँ पे लिखेंगे भाग कथन 1, ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे भाग कथन, भाग कथन 2, ठीक है। अब आइए दूसरा बनाकर देखते हैं। तो 2 में यहाँ पे दिया है, 2 में दिया है −4 × फिर दिया है −6 = में कितना है 24, इसको बनाएंगे ठीक उसी तरह। तो देखिए यहाँ पे कैसे बनाएंगे इसको, तो 24 जो इसका गुणनफल है इसको पहले लिख लेंगे, 24 इसकी बाईं ओर जो संख्या है, तो बाईं ओर संख्या कौन है, पहली संख्या −6 है, तो यहाँ पे भाग का चिन्ह देंगे, उसके बाद −6 को यहाँ पे लिख लेंगे। तो −6 से 24 में हम भाग देंगे, तो देखिए −6 क्या है, एक ऋण पूर्णांक है, और 24 क्या है, एक धन पूर्णांक है। तो एक ऋण पूर्णांक से जब एक धन पूर्णांक को हम भाग देते हैं तो हमारा भागफल आता है एक ऋण पूर्णांक, तो 6 × 24, तो यहाँ पे −4, ये इसका आंसर होगा, ठीक है। उसके बाद फिर लिखेंगे 24 भाग, −6 में भाग दिए थे यहाँ, अब भाग देंगे किससे, −4 से, तो यहाँ पे लिखेंगे −4 = तो 4 × 6 = 24, इसका हो जाएगा, क्योंकि एक मिनट, यहाँ पे −4 है, तो −4 से जब हम 24 में भाग देंगे तो ये भी क्या है, एक ऋण पूर्णांक है, ये धन पूर्णांक है, तो भागफल इसका आएगा माइनस में, तो इसका आएगा −6, तो इसका हो गया भाग कथन, भाग कथन 1, ठीक है। और इसका लिखेंगे भाग कथन 2, तो भाग की 2 प्रक्रिया में बदल दिए। अब देखिए 3 में यहाँ पे दिया है, 3 में यहाँ पे क्या दिया है, −12 × 9, ठीक है। इसके बाद दिया है इसका गुणनफल −108, ठीक है। इसको भी उसी तरह बना लेंगे, एकदम आसान है। तो देखिए −108 है, तो −108 को यहाँ पे उतार लेंगे, उसके बाद भाग का चिन्ह,
उसके बाद बाई और संख्या कौन है, 9 है, तो 9 को यहाँ पे उतार लेंगे, तो 9 से हम भाग देंगे, तो 9 एकम 9, ठीक है, एक इसमें से निकल के इसमें गया, हो गया 18, तो 9 दुना के 18, इसका आ जाएगा माइनस 12, ठीक है। फिर यहाँ पे लिखेंगे माइनस 108 भाग का चिन्ह, फिर लिखेंगे माइनस 12, ठीक है। अब देखिए जब दो संख्या, ठीक है, जब दो संख्या धन पूर्णांक में हो, है ना, या ऐसे समझिए जब दो संख्या ऋण पूर्णांक में हो, ठीक है, तो उसको जब हम भाग देंगे तो उसका भागफल आएगा का चीज़, धन पूर्णांक आएगा। तो यहाँ पे एक ऋण पूर्णांक है, यहाँ पर भी एक ऋण पूर्णांक है, दोनों माइनस में है, तो 12 माइनस 12 से माइनस 108 में भाग देंगे तो इसका भागफल आएगा 9, यानी कि धन पूर्णांक। इसका हम लिखेंगे यहाँ पे भाग कथन एक, इसका लिख लेंगे भाग कथन दो, ऐसे बनेगा।